फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हम इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका डोमेन रेंज देखेंगे, इसके साथ साथ हम इसके ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर x दिया हुआ है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या फिर इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या डोनेट करता है, या जो रियल नंबर x है और इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट करेंगे, तो यह हमको एक ऐसा इंटीजर देगा, ये हमको जो है एक ऐसा इंटीजर देगा जो कि लेस देन x होगा या फिर इक्वल टू x होगा। कहने का मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर x दिया हुआ है, तो इस अगर x का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होता है, वो या तो x से छोटा होगा या फिर x के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन मैंने बताया है कि या तो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, वो x से लेस देन होगा, और दूसरा क्या कंडीशन है, वो कि x के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कब वो x के बराबर, कब वो x से छोटा होगा और कब वो x के बराबर होगा। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अगर हमको 2.75 का हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 2.75 का। तो 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम क्या करते हैं, जब यहां पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जब इस x में अगर इंटीजर्स को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर होता है, अगर यहां पर इंटीजर्स को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर होता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस ये जो आपका सबसे, ये जो आपका x दिया हुआ है, इससे छोटा वाला इंटीजर हम क्या करते हैं, यहां पर पुट करेंगे। यानी कि 2.75 है, तो 2.75 का छोटा वाला इंटीजर कौन है, 2 है। बात क्लियर हो रहा है, यानी कि लेस देन x कब लेंगे, जब x जो है वही इंटीजर के बराबर नहीं होगा, और इक्वल टू x कब लेंगे, जब x कोई इंटीजर होगा। जैसे सपोज दैट अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात, तो वही ध्यान दीजिएगा हमेशा कि लेस देन कब लेंगे, जब x जो है, यहां पर जो x लिखा हुआ है, अगर ये x अगर कोई इंटीजर ना होकर कोई दूसरा यहाँ पर कोई नंबर होगा, इंटीजर छोड़कर कोई दूसरा रियल नंबर होगा, तो वहां पर हम वहां पर उस नंबर से छोटा वाला इंटीजर को हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे। और यहाँ पर अगर ये स्वयं एक इंटीजर होगा, अगर यहाँ पर कोई इंटीजर दिया होगा, तो वही इंटीजर इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहने का मतलब, अगर इसके डिफिनेशन के तरफ देखें, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइंड होता है, जहां पर एफ एक्स जो होता है, ये जो फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, जहां पर एक्स का क्या करता है, आपके रियल नंबर से क्या करता है, बिलोंग्स करता है, रियल नंबर से क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, डाल दीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, आपका एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालना है, तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है नंबर लाइन की मदद से। नंबर लाइन की मदद से हम कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज दैट अगर रियल नंबर का हम बात करते हैं, 2.75 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो दिया हुआ है एक्स, वो कोई इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं है, तो उससे छोटा वाला इंटीजर हमको लेना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और नंबर लाइन में सपोज दैट ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 2.7 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा, सपोज दैट यहां आ रहा है 2.75, और इस 2.75 के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा, तो ये लेफ्ट साइड में कौन है, 2 है, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई नेगेटिव नंबर्स का, देखते हैं।
सपोजिट माइनस 2.75 का बात करते हैं, तो इसका वैल्यू आपका माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए हमने क्या बताया लेफ्ट की तरफ का, तो ये देखिए इधर ये माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2, माइनस 2.75 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा और इसके लेफ्ट में क्या है? माइनस ऑफ 3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक से समझ में आया आपको। इसके साथ साथ और ध्यान दीजिएगा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग फ्लोर फंक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है बात? अब चलिए अब आगे चलते हैं और आगे इसके बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ के बारे में। चलिए आइए उसके पहले कुछ हम फंक्शंस की तरफ देखते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमको 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो क्या होगा? 1 होगा। 1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो क्या होगा? 1 होगा। 2 का निकालना होगा तो क्या होगा? 2 होगा। 2.75 का निकालना होगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसका भी 2 होगा। 3 का निकालना होगा तो क्या होगा? 3 होगा। 3.75 का निकालना होगा तो क्या होगा? 3 होगा। 4 का अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा? 4 होगा। बस समझ आ रही है? अब थोड़ा सा एक और ध्यान देते हैं। अगर सपोज दैट अगर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू हम क्या कर देते हैं क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2 तक पुट करते हैं। बस समझ में आ रहा है क्या यहां पर मैं लगाया हूं? क्लोज्ड इंटरवल लगाया हूं। इसका मतलब 1 के वैल्यू को क्या करेगा? इंक्लूड करेगा। और 2 के वैल्यू को क्या करेगा? इंक्लूड नहीं करेगा, उसको एक्सक्लूड करके 1 से 2 तक के हर एक वैल्यू को लेगा। कहने का मतलब यहां पर नंबर 1 से लेकर 1.9999 समथिंग तक जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा। तो अगर हम x का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में रखते हैं और अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालते तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 3 तक का बात करते हैं तो x कहां से बिलोंग करेगा? 2 बिलोंग करेगा। अगर उसी तरह से x जो है अगर हम 3 से लेकर ओपन इंटरवल 4 तक करते हैं तो x कहां बिलोंग करेगा? 3 बिलोंग करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर उसी तरह से x का वैल्यू अगर हम क्लोज इंटरवल 4 से लेकर ओपन इंटरवल 5 तक रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 होगा। क्लियर हो रहा है बात? उसी तरह से नेगेटिव की तरफ अगर हम बात करें, अब हम थोड़ा सा नेगेटिव नंबर की तरफ आते हैं। सपोज दैट अगर हम x का वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से लेकर क्लोज इंटरवल -1 तक पुट करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 होगा। उसी तरह से हम अगर x का वैल्यू ओपन इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल -2 तक लेकर जाते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? से अगर हम x जो है अगर सपोज दैट अगर x ओपन इंटरवल -3 से लेकर ठीक है ओपन इंटरवल -3 नहीं ओपन इंटरवल -2 से लेकर क्लोज इंटरवल -3 तक अगर बिलोंग करेगा तो यहां पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? -2 से -3 के बीच में है, ठीक है? तीन के बीच में क्या वैल्यू हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए यहां पर ग्राफ क्या है? y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1, इसको y मान ले तो y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होता है? ऐसे x एक्सिस के पैरेलल लाइन जाता है, जाता है ना ऐसे। बट क्लियर हो रहा है? लेकिन अब जो आपका यहां पर एक और कंडीशन है कि x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 2 तक बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो है क्लोज इंटरवल 1 यहां पर क्लोज रहेगा और 2 पर क्या है? ओपन इंटरवल। यहां पर 2 पर क्या है? ये ओपन इंटरवल, यानी कि यहां पर ये ओपन रहेगा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्या है, x कहां से बिलोंग कर रहा है? 2 से 3, 2 पर क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है? और मॉडुलस और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या है? 2। तो ये आपका लाइन है y बराबर में 2, इधर से जो लाइन पैरेलल जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, ठीक है? तो अगर यहां से लाइन पैरेलल लाइन पार करेगा y इक्वल टू 2 का यहां से लाइन ड्रॉ करने पर आपका ग्राफ बनेगा। अब ध्यान दीजिए अगर हम बात करते हैं x कहां तक है? 2 से 3, क्लोज इंटरवल यहां पर 2 पर और ओपन इंटरवल यहां पर 3 पर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 से 4, तो क्लोज इंटरवल आपका 3 और ओपन इंटरवल 4। उसी तरह से अगर नेगेटिव का तरफ देखते हैं तो ओपन इंटरवल 0 और -1 पर क्या है, क्लोज इंटरवल है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं -1 से -2, यहां पर आपका क्या है, ओपन इंटरवल है और -2 पर क्या है, क्लोज इंटरवल है। नेक्स्ट बात करते हैं -2 से -3, तो यहां पर आपका -2 से -3 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाता है, यानी कि यहां पर आपका चला जाएगा ये -3 का, अगर हम बात करें यहां पर -2 से -3 के बीच में, तो -2 के सामने लेकर आएंगे, ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल और -3 पर क्या हो जाएगा आपका, क्लोज इंटरवल। ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए, यहां पर -1 से -2 के बीच में क्या हो रहा है, यहां पर जाएगा ये फंक्शन -1 से -2 के बीच में, यानी -1 पर क्या है, ओपन इंटरवल है और क्लोज इंटरवल क्या है, -2 पर है। ये 0 से -1 के बीच में जाएगा, तो 0 से -1 वाला जो वैल्यू होगा ये यहां बनेगा, 0 से -1 जो है वो कहां बनेगा, यहां बनेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो 0 से अगर हम -1 को देखते हैं तो 0 पर हमारा क्या है, ओपन इंटरवल होगा और इसके बाद y इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो y इक्वल टू -1 का ग्राफ ये वाला होता है, यानी कि यहां से लेकर ये 0 से लेकर ये आपका -1 तक, और यहां पर ये क्लोज इंटरवल रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ग्राफ क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। ध्यान दीजिएगा डोमेन एंड रेंज का बात करते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वाई इक्वल टू क्या दिया रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो हम यहां पर इसका जो डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर हम यहां पर इसके डोमेन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रेंज होता है हमेशा, मान के चले कोई भी रियल नंबर अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, इंटीजर ही आता है, क्या आता है, इंटीजर ही आता है। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, इंटीजर से। थोड़ा इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको क्लियर करने के लिए, जैसे सपोज दैट अगर हम यहां पर 1.75 पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। अगर 2.75 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। -1.75 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -2 आएगा। और -2.75 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -3 आएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इधर हम कोई भी नंबर को लिख रहे हैं, इसके x के में हम कोई भी नंबर को लिख रहे हैं, यानी कि इसके डोमेन में हम कोई भी नंबर को पुट कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे, और रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। आइए अब हम आगे की ओर इसमें हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तरफ देखते हैं। आपके सामने मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज ध्यान देना है, इधर यहाँ पर लिखा हुआ है कि n एक इंटीजर है और x जो है वो एक रियल नंबर है n और n प्लस 1 के बीच में, ठीक है। n क्या है, एक इंटीजर है, और x जो है वो n और n प्लस 1 के बीच में क्या है, एक रियल नंबर है। तब ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। पहला प्रॉपर्टी जो है, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एन लेते हैं तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन के बराबर होगा। चलिए पहला वाला के लिए थोड़ा सा हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज दैट अगर एन के जगह पर, एन क्या है, इंटीजर है, एन के जगह पर हम पुट करते हैं 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, यानी कि माइनस ऑफ एन इन एन की 2, तो यानी को भी क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। तो उसी तरह से हम एक एक बातों को हम पुट करके हम क्या कर सकते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं और सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, डिफाइंड हो जाएंगे। और ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जो है आरडी शर्मा का बुक, एनसीईआरटी बुक्स बनाने में, मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाने में, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बनाने में, एनडीए के बुक्स बनाने में आपको जो है आसानी होगा, ठीक है। और चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं
इस वीडियो में हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चाहकर उस वीडियो को देख ले। आइए आप लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई रियल नंबर x दिया हुआ है तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x कहने का मतलब यह होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम इसको इस तरह से डिनोट करते थे, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर में हमको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x कहने का मतलब यह होता है कि हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा, ठीक है, हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि पहला दो कंडीशन है इसमें। पहला कंडीशन है कि ग्रेटर देन x होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन x होगा। कब ये कंडीशन होगा? जब x जो है वो आपके z से बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो इंटीजर ना छोड़कर कोई और होगा तो आपका ग्रेटर देन x होगा। और दूसरा क्या होगा? इक्वल टू x। कब होगा? जब x जो है वो किसी कोई इंटीजर होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या देखा था? लेस देन होता था, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा? ग्रेटर देन x होगा। क्लियर है? आइए हम थोड़ा सा हम इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन होता है सबसे पहली बात सेट ऑफ रियल नंबर्स पर क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइंड होता है सेट ऑफ रियल नंबर पर। और ये फंक्शन क्या करता है? f ऑफ x इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फंक्शन है। x कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका हम लोग। देखिए, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज दैट अगर हम x का बात करते हैं, अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ क्या कंडीशन होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, या तो ग्रेटर देन होगा x, ठीक है, ये आपका x जो है इसके साथ दो कंडीशन है। पहला ये ग्रेटर देन x होगा और दूसरा क्या कंडीशन है, ये इक्वल टू x होगा। दो कंडीशन है। अगर सपोज दैट अगर हम इसमें क्या करते हैं, x के जगह पर अगर हमको इंटीजर पुट करते हैं 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा, ठीक है। अगर इंटीजर छोड़कर कुछ और पुट करते हैं 3.75, तो 3.75 से बड़ा कौन सा इंटीजर है? ग्रेटर देन का हम बात कर रहे हैं, स्मॉलर देन का नहीं। स्मॉलर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या बात करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो 3.75 में इससे बड़ा कौन इंटीजर है? 4। क्लियर हो रहा है? नेगेटिव की तरफ आते हैं तो अगर -3 का हमको करना होगा तो क्या होगा? -3 होगा। और अगर -3.75 का करना होगा तो इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा आपका -2 है। क्लियर हो रहा है बात? उसी तरह से और एक एग्जांपल देखिए, सपोज दैट माइनस में एग्जांपल देते हैं, -5.7 होता है, तो इससे बड़ा कौन है? -4 है। क्लियर हो रहा है बात? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग बात करते हैं, जिसमें गान मारा गई अरे बोल हवा। चलिए, अब उसी तरह से अगर यहां पर अगर पॉजिटिव तरफ देखते हैं, 5.7 रहता तो क्या हो जाता? ये 5.7 रहता, ग्रेटेस्ट फंक्शन लेना है तो 6 हो जाता। क्लियर हो रहा है? अब आइए आगे चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इसका डोमेन रेंज डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन इसका क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स होता है। क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। आप देख सकते हैं यहां पर हम x जो है इस f(x) में हम क्या कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और जो आपका रेंज होगा, अगर हम यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो हमेशा क्या हमको मिल रहा है? इंटीजर्स मिल रहा है। तो इसका डोमेन और रेंज ध्यान रखिएगा। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं और इसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉज करो, अबे ओकरे में कट कर लिए। चलिए, अब हम लोग इसका हम लोग ग्राफ की तरफ देखते हैं और ग्राफ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्राफ के लिए भी सेम काम हम वही करेंगे, ठीक है। सपोज दैट अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक्स जो है अगर 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है,
क्लोज्ड इंटरवल यहां से हम बात करते हैं, यहां से अगर 0 और 1 का हम बात करते हैं तो यहां से हम ओपन इंटरवल का बात करते हैं, 0 से 1 और 1 पर हम क्लोज इंटरवल का बात करते हैं। तो ठीक है, और 0 1 का कोई भी हम वैल्यू को पुट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर x जो है ओपन इंटरवल 1 से लेकर क्लोज इंटरवल 2 तक बिलोंग करेगा, ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन नेगेटिव की तरफ भी है, अगर नेगेटिव की तरफ अगर हम बात करें तो अगर यहां पर ओपन इंटरवल अगर x जो है, अगर आपका x जो है अगर ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल अगर हम बात करते हैं -1 से लेकर अगर हम 0 तक का बात करते हैं, 0 पर क्लोज इंटरवल और -1 पर ओपन इंटरवल, तो इसका जो वैल्यू होगा अगर मान चलते हैं यहां से यहां तक होगा तो बड़ा वाला फंक्शन इनका हमेशा 0 जाएगा, ठीक है, तो यहां पर स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर x जो है अगर यहां से ध्यान दीजिए अगर इसके बीच में होगा -1 से लेकर -2 के बीच में होगा तो हमेशा -1 होगा, यानी कि -1 से लेकर -2 के बीच में अगर जाएगा फंक्शन, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर ओपन इंटरवल -2 तक का अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आइए इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। पहला हमने क्या डिसाइड किया, यहां पर 0 से 1 तक 0 पर ओपन इंटरवल और 1 पर क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी कि यहां से लेकर यहां पर क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है और इसके बाद यहां पर हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल, क्लियर हो रहा है बात, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां तक के बीच में हमेशा x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से अगर x 1 और 2 के बीच में बिलोंग करे, यहां पर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल और यहां पर आपका क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल, अगर इसके बीच में बिलोंग करता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 2 होगा, क्लियर हो रहा है बात। उसी तरह से अगर नेगेटिव की तरफ का हम बात करते हैं, नेगेटिव तरफ अगर हम देखते हैं, पहला मेरा क्या कंडीशन है, -1 से 0, -1 पर क्या होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए और 0 पर क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए, तो यहां पर इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उस तरह से -1 पर अगर क्लोज्ड होके और -2 पर क्या होके, ओपन होके, -1 पर क्या होके, क्लोज्ड होके और -2 पर क्या होके, ओपन होके, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 होगा, क्लियर हो रहा है बात। तो उसी तरह से हम इसमें फंक्शन का ग्राफ हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम बना सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखा हूं और आप इस पर कोई भी एप्लीकेशन से लिखकर n का x का कोई भी वैल्यू रखकर जहां पर जो भी कंडीशंस दिए हैं उन कंडीशंस के साथ अगर आप कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं तो आपको जो है ये प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है क्वेश्चंस बनाने में इनसे मदद मिलेगी, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिए कि आप जब कभी भी पढ़ रहे हैं और आपको कभी भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को मेंशन कीजिए या फिर नीचे दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पर्सनली क्वेश्चन को सेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और जो नए बच्चे हैं प्लीज से प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।